स्टूडेंट ऑफ द ईयर का आज ट्रेलर आ गया है सेकंड वर्जन का, और इस ट्रेलर में मुझे क्या लगा देखकर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं विकल्प मेहता और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पर ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि मैं बताऊंगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये रिव्यू, ट्रेलर का रिव्यू कैसा लगा मेरे को ये ट्रेलर। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यार, इंडिया की कौन सी ऐसी कॉलेज है जो इतनी बेहतरीन है? मैंने तो ऐसी कॉलेज नहीं देखी। अगर आपको लगी हो कि ऐसी कोई कॉलेज है तो मुझे बताइए, जहां इतने पॉश मैदान बने हुए हैं, डांसिंग हो रही है, लोग पढ़ाई लिखाई का तो कोई नाम ही नहीं है, उसके अलावा सारी चीजें हो रही है, खेलकूद हो रही है, हर तरह का स्पोर्ट्स हो रहा है, हर तरह की डांसिंग कॉम्पिटिशन हो रही है, ये कौन सी कॉलेज है भाई? सेकेंड, टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग और उनके डायलॉग डिलीवरी, वाह वाह वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी किया है। सिर्फ एक डायलॉग है, दिन तेरा था साल मेरा होगा, फिर अगेन, दिन तेरा था साल मेरा होगा, सबको आती नहीं मेरी छाती नहीं। और तीसरी चीज है एक्शन, एक्शन एंड एक्शन, उछल कूद इतनी ज्यादा है, ऐसी उछल कूद मैंने तो ओलंपिक के सिवाय कहीं और नहीं देखी, लेकिन आज मुझे फिर से देखने का मौका मिला स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेकंड ट्रेलर में, और बहुत ज्यादा उछल कूद है, एक्टिंग का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ लाते हैं, मुक्के हैं, घुसे हैं, फाइटिंग है, और कॉलेज कैसी, कौन सी कॉलेज है कि WWF का वो मंच है जहां पर फाइटिंग ही फाइटिंग हो रही है, कौन सी कॉलेज है भाई ये? ट्रेलर में जो फिल्म की स्टोरी लाइन बताते हैं उसमें सबसे पहले टाइगर श्रॉफ को एक बहुत फिट बंदा बताते हैं, उसके बाद में उसको किसी से प्यार होता है, कुछ लड़कियां उसकी लाइफ में आती है, उसके बाद उसका झगड़ा होता है, और फिर जब उसको दुश्मन मारते हैं, विलन उसको मारता है, तो फिर वो बहुत मेहनत करता है, भाग मिल्खा भाग के जैसे, और फिट हो जाता है। ऑलरेडी जो बंदा इतना फिट है वो और फिट होके क्या करेगा, पहले ही पेल देता उसको, जैसे दूसरा बागी बागी में मारा था वैसे पहले ही मार देता उसको। ये तो हुई बातें जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छी लगेगी वो ये है, कलरफुल फिल्म है और जो बच्चों को और यंगस्टर्स को पसंद आता है, ओल्ड सॉन्ग का रीमेक भी हो गया है, और लड़का लड़की कॉलेज लाइफ ये सारी चीज़ें आजकल यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आती हैं, तो वो चीज़ें देखने के लिए लोग जाएंगे, बट नथिंग न्यू, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा है। डांसिंग आपने पहले देखी हुई है, टाइगर श्रॉफ की ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी जिसमें आपने उनकी लात और मुक्के और उनके उछल कूद और उनका कूदना फांदना ये सब नहीं देखा होगा, या पहले देख चुके हैं। अगर ऐसा ही देखना है तो पहले बागी का हॉटस्टार पे जाके बागी का वो फिल्म देख लीजिए वापस से, सेम चीज़ है। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो आपने पहले देखी हुई है, और बाकी दो नई एक्ट्रेसेस हैं, अब वो उनका तो काम देखेंगे तब पता चलेगा। ट्रेलर देख के मुझे इतना कोई नयापन नहीं लगा कि कोई नई फिल्म आने वाली है कोई नई स्टोरी के साथ में वही सारी चीज़ें लगें, इसलिए इस ट्रेलर को मैं स्टार नहीं दूंगा, आई डोंट नो।